39 सीटें बहुमत से बहुत दूर, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 35 से 38 सीटें संभव। जनता का मूड यही है, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 36 से 39 सीटें। अदिति, तो तस्वीर पंजाब से आपके लिए ये है कि वहां पर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, ये हंग असेंबली है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हो रहा है। 77 सीटों से कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रोजेक्शंस है आपको बता देते हैं, 35 से 38 सीट का प्रोजेक्शन। सोचिए जरा, 2017 में 77 सीट हासिल की थी, अब कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा ओपिनियन पोल का जो प्रोजेक्शन है वो 35 से 38 सीटों का है, यानी मेजोरिटी मार्क से काफी दूर। शिरोमणि अकाली दल जिन्हें 2017 में 15 सीट हासिल हुई थी, देखिए जरा कितना बड़ा जम, 32 से 35 सीटों का प्रोजेक्शन शिरोमणि अकाली दल के लिए, लेकिन ये भी मेजॉरिटी मार्क से दूर। आम आदमी पार्टी जो कि 9% वोट शेयर गेन कर रही थी, फायदा हो रहा था मेजॉरिटी मार्क से, आम आदमी पार्टी भी दूर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसने 20 सीटें निकाली थी 2017 में, इन टर्म्स ऑफ सीट्स गेन कर रही है, और 36 से 39 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए है। इसके अलावा बीजेपी और उसके अलाइज के लिए 4 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन है, जबकि 3 सीटें पिछले 2017 के चुनाव में यहां पर निकाली थी। और आदर्श के लिहाज से अगर बात की जाए तो आदर्श को 2 से 4 सीटें मिल सकती है, पिछली बार 2 सीट आदर्श के खाते में गई थी। लेकिन नरेश, हंग असेंबली, किसी को मेजॉरिटी नहीं। अदिति, दिस विल बी अ फर्स्ट, बिकॉज पंजाब में कभी भी हंग असेंबली नहीं हुआ। पंजाब हैज ऑलवेज गिवन क्लियर एंड क्लीन वर्डिक्ट, बट इट अपीयर्स टू बी कि भी ये जो डेटा हमारे को आज तक का बता रहा है, इसमें अभी कैंडिडेट बहुत अनाउंस होने बाकी हैं पार्टियों के। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट काफ़ी 30-40 के आसपास कैंडिडेट, उनके भी अनाउंस होने बाकी हैं, पर उसके बावजूद जहां तक हमने जिस डेट तक हमारा ओपिनियन पोल क्लोज हुआ उसमें जितने फैक्टर्स दिखे, और कुछ हमने जो फैक्टर्स को एज्यूम भी किया कि जिन फैक्टर्स को काउंट करना चाहिए, उसके बाद ये हमारे को फिगर दिखती है। मेरा जाहिर से तौर पर कि कांग्रेस पार्टी को बहुत निराशा होनी चाहिए, बट सेम बात आम आदमी पार्टी के लिए भी दिख रही है कि आम आदमी पार्टी जो सब जगह प्रेडिक्शंस में आगे दिख रही थी, हमारे हिसाब से, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, वो अभी बहुमत से दूर दिख रही है। जल्दी जल्दी एक कमेंट जगरूप जी, पहले मैं एक कमेंट आपका लूंगी, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान, 35 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, शिरोमणि अकाली दल के लिए बड़ा गेन, 15 सीटें मिली 2017 में, 32 से 35 सीटों का प्रोजेक्शन शिरोमणि अकाली दल के लिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जिनके लिए वोट शेयर के लिहाज से बड़ा जंप अभी हमने आपको दिखाया था, बड़ी छलांग, 20 सीटें 2017 में मिली थी, लेकिन अब 36 से 39 सीटों का प्रोजेक्शन है। देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा ओपिनियन पोल 35 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन दिखा रहा है, 39 से 42 सीटों का नुकसान 2017 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, श्रोमणी अकाली दल को 17 से 20 सीटों का फायदा हो रहा है 2017 के मुकाबले, आम आदमी पार्टी को भी फायदा हो रहा है 20 सीट से, 36 से 39 सीटों का प्रोजेक्शन है, 16 से 19 सीटों का फायदा आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो आपने 3 की प्लेयर्स देखे उनमें से कोई भी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि मेजॉरिटी मार्क से काफी दूर रह जाता है, और इसीलिए एक बड़ी तस्वीर जो उभर कर आ रही है वो हंग असेंबली की तस्वीर है। और इसीलिए धर्मेंद्र जी, क्या आप सरप्राइज हुए, क्या आप हैरान हुए? नहीं, मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि हंग असेंबली ही सामने आ रही है। कारण इसका ये है कि अगर हिस्ट्री पंजाब की देखें, जैसे नरेश जी ने कहा, तो एक तरफ ही जाता था, बट वो तब था जब दो तरफी मुकाबला होता था। पोस्ट टेररिज्म टाइम का पंजाब हम देखें तो 92 के बाद 6 बार सरकार बनी है पंजाब में, उसमें 3 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, श्रोमणी अकाली दल का अलायंस पावर में रहा, तो एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार अलायंस आता था बीजेपी और अकाली दल का। ये 2012 में ये टूटा क्योंकि रिपीट किया, बट ओवरऑल अगर 30 साल का हम हिस्ट्री देखें तो उसमें 3 बार कांग्रेस, 3 बार अलायंस ने गवर्नमेंट बनाया। 2017 में ये दो तरफी जो मुकाबला हमेशा रहता था पंजाब में, वो टूटा और आपने एंट्री की और एक 20 सीटें लेके गई, जैसे आपने अभी बताया। तो ये कारण ये हो रहा है क्योंकि मल्टीपोलर कॉन्फ्रेंस ये पहली बार पंजाब में हो रहा है। श्रोमणी अकाली दल अलग हो गया है बीजेपी से, तो ये सारे जो सिचुएशन है इसने इसको अलग इलेक्शन के तौर पे सामने हमारे रख दिया है, और इसमें हंग असेंबली आना ही लग रहा है हमें भी। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये हमें ठीक लग रही है अभी तक। बट एक चीज़ और कि अभी तक फार्मर जो
ग्रुप हैं उन्होंने अभी अपनी अनाउंसमेंट नहीं करी कैंडिडेट्स की और जल्दी ही करने वाले हैं। दूसरा, बीजेपी ने अभी अपनी पत्ते नहीं खोले पूरी तरह से, क्योंकि उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो समझौता है वो अभी फाइनल एक दो दिन में शायद हो रहा है, सुना हमने। तो अगर वो बीजेपी इसमें आता है तो थोड़े से प्रोजेक्शन चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल सिचुएशन तो मुझे तो यही लग रही है। पार्टी को बहुमत नहीं, 36 से 39 सीटों के प्रोजेक्शन के साथ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 16 से 19 सीटों का उसे फायदा हो रहा है, त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, 39 से 42 सीटों का नुकसान का प्रोजेक्शन है, 36 से 39 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरती दिख रही है और शिरोमणि अकाली दल को भी 32 से 35 सीटों का प्रोजेक्शन है और बहुमत के लिहाज से बात करें तो 59 सीटें चाहिए पंजाब में मेजॉरिटी मार्क की बात की। आगे विकल्प क्या है? अब ये त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, किस तरह से ये मेजॉरिटी मार्क हासिल किया जा सकता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए तो सरकार बन सकती है, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ आ जाए तो सरकार बन सकती है, क्योंकि वो जो मैजिकल नंबर है, जो फिगर है, उसके लिए ये जो त्रिशंकु विधानसभा है इसके दो एक्टर्स को, दो प्लेयर्स को एक साथ आने की जरूरत है, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑप्शन वन है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाए, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ आ जाए। तो तस्वीर बहुमत का मार्ग भी हम आपको दिखा रहे हैं, बहुमत का नंबर है 59। ऐसे में जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प है वो क्या क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, और ये थर्ड ऑप्शन है शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस साथ आ जाए, तो ये नंबर्स मैच कराने की कोशिश है। इसमें से कितने ऑप्शंस रियली वायबल है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल ऑप्शन 4 के तौर पर हंग असेंबली की जो तस्वीर अभी हमारे ओपिनियन पोल में उबर कर आई, और हम आपसे भी कह रहे हैं #ZOpinionPoll अपनी राय आप हम तक पहुंचाइए, कौन से चार विकल्प इस वक्त उबर कर आ रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल के प्रोजेक्शंस के मुताबिक, वो चारों ही विकल्प इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से नरेश, हंग असेंबली इन चारों ऑप्शन में से पहले तीन में से कौन सा ज्यादा वाइबल लगता है? फर्स्ट वन, यू आर लाफिंग, आई एम ऑल्सो लाफिंग, दैट्स ओके।